ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड वनडे टीम इंडिया के नाम रहा। जी आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में 6 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब सीरीज का डिसाइडर 18 जनवरी को मेलबर्न में खेला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो विराट कोहली तो रहे, लेकिन यहां पर जीत दिलाई महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी जिन पर काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, जिनको लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी कि इनमें वो बात नहीं रही, क्या ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चित परिचित अंदाज में 55 रनों की नाबाद पारी खेलकर बता दिया कि दुनिया का बेस्ट फिनिशर अब वापस आ चुका है। जी हाँ, 54 गेंदों में खेली गई 55 रनों की पारी में धोनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 छक्के जड़े। 1 छक्का उन्होंने मिड ओवर्स में नाथन लायन को मारा था और दूसरा छक्का जेसन बेरेंडॉफ को, और आखिरी के ओवर में जब 7 रनों की जरूरत थी तो छक्का जड़कर मैच जिता दिया। हालांकि आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का नहीं जड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभा दी और ये बता दिया कि महेंद्र सिंह धोनी एक स्पेशल टैलेंट है जो टीम इंडिया के लिए हमेशा ही बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया, इवन कप्तान विराट कोहली ने भी यही बात कही है कि टुडे वॉज MS क्लासिक और जो उनके दिमाग में चलता है वो उसी को फॉलो करते हैं और उन्होंने बेहतर तरीके से क्रिकेट को खेला है। आज हमारी टीम का दिन था और हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 49.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 6 विकेट से भारत की जीत हुई। अब मेलबर्न में सीरीज का डिसाइडर खेला जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।